है। क्या शंका होती है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब अवतार महाराज जी का भजन बन में ही जाए क्यों होते हैं? है? घर में भजन नहीं हो सकता है? तो देखिए कहा जाता है कि लोग तो घर में भी भजन करते हैं और सबसे अच्छा भजन कब माना जाता है? भजन तब नहीं माना जाता है जब आप ऊपर से कपड़े को रंग लो, लाल पीले वस्त्र पहन लो और मुख से आप राम 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 रोज जप रहे, लेकिन आत्मा में क्या चल रहा है कि मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएं। मुख से तो आप राम 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 कह रहे और आत्मा में आपके कालापन भरा हुआ है, तो इसे भजन नहीं कहते हैं, ये भजन नहीं होता है। सबसे अच्छा भजन कौन सा होता है? सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपने मन को शुद्ध बनाओ, दूसरों के प्रति कपट ना सोचो, दूसरों का बुरा ना सोचो। भगवान से ये कहो, प्रभु हे नाथ पहले सब दुनिया को सुख कर दो, जो बाद में बचे सो मोए दे दे। भगवान से कहा करो, हे प्रभु पहले दुनिया को सुखी कर दो, उसके बाद अगर हम सुख के लायक हो तो मुझे सुख दे दो, अन्यथा मैं तो आपके दिए हुए दुख में ही सुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना किया। वन में जाकर के भजन नहीं होता, ध्यान रखना। भजन उसे भी कहते हैं कि आप अपने घर में एकता बना करके रखो, भाई भाई मिलजुल करके रहो, देवरानी जिठानी घर में मिलजुल करके रहो, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, माँ बाप को ही अपना भगवान मानो, माँ बाप की ही पूजा करो, ये होता है सच्चा भजन। और आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप तो मर रहे घटिया पे डरे डरे, लड़का एक बूंद पानी उन्हें पिवाए रहो और जाए रहे मथुरा वृंदावन काशी घूमन परिक्रमा करन, तो ये तुम्हारा भजन है? ये भजन नहीं होता, तुम पाप के भागी बन रही हो। सर्वप्रथम माँ बाप की पूजा करो, उसके बाद में भगवान की पूजा किया करो। मैया बात समझ में आ रही है? अपनी अपनी सासन की सेवा करती हो या नहीं करती है? कोई नहीं करतो, हमें पता है कोई नहीं करतो। अगर सास कछु कह दे वे बहुते तो बहु जकात डुकरिया तेरी बुद्धि खराब हुई, डुकरिया तेरी बुद्धि खराब हुई। आजकल की बहुएं बिना डुकरिया की बातें नहीं करती है, सही बात है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम अपने माँ सास ससुर को अपनी माँ नहीं समझोगी, तब तक तुम्हारी भी संतान तुमको माँ नहीं समझेगी। ध्यान रखना, एक ना एक दिन समय सबका ही बदलता है। जो सास होती है ना वो भी कभी बहू बनती है, बड़े ध्यान से सुनना, जो सास होती है वो भी कभी बहू बनती है। तो अगर तुम बहू बन के आई हो और अपनी सास के ऊपर अत्याचार कर रही हो, तो जनना सोचियो कि तुम कभी सास नहीं बनी हो। तुम सास बनी हो तब तुम्हारी संतान तुम्हें ऐसे ही अत्याचार करे। एक समय की माँ को बात बताएं, एक समय की माँ को बात बताएं कि घर में एक मैया रहती थी। मैया क्या वो बहू रहती थी? माताओं बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारी लाइन बता रहे।